बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिशारत जीमा। आज आपके लिए 5 मरले का डबल स्टोरी घर लेके आया हूँ, जिसका फ्रंट एलिवेशन आपके सामने है। बड़ा ज़बरदस्त फ्रंट एलिवेशन बना हुआ है, मोज़ेक टाइल और रॉकवेल के साथ खूबसूरत कॉम्बिनेशन इस घर का आप देख सकते हैं। इसका गेट बड़ा खूबसूरत बनाया गया है, फ्रंट पे लॉन है और 30 फिट का रोड है खुला, आप देख सकते हैं। आस पास खूबसूरत घर बने हुए हैं और इस साइड पर तारें भी नहीं गुजर रही, बिजली के पोल भी नहीं है इस साइड पर, जिस साइड पर यह घर बना हुआ है। बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त घर बना हुआ। इस घर की डिमांड, 5 मरले का डबल स्टोरी घर है, इस घर की डिमांड 87 लाख है, 87 लाख 87 लाख इस घर की डिमांड है। इसका खूबसूरत गेट आपके सामने, छोटे गेट से हम अंदर इंटर होते हैं तो अंदर से आपको विजिट करवाते हैं। ये सीढ़ियाँ, ये इसका कार पोर्च है, मार्बल फ्लोर के साथ ये घर है। इस घर की सफाई होने वाली है, ऊपर सीलिंग डिज़ाइन इसका। इस घर की डिमांड 87 लाख है, कैश पेमेंट पे है। और इस घर की लोकेशन अल रहमान गार्डन फेज़ 2 का जे ब्लॉक है, कॉर्नर विंडो, और सामने इसका पाउडर रूम है, उसमें भी टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। अल रहमान गार्डन फेज़ 2 के जे ब्लॉक में ये घर वाक़ है, खूबसूरत 5 मरले का, और इसकी डिमांड है 87 लाख 87 लाख कैश पेमेंट के ऊपर। इसके मेन डोर से हम अंदर इंटर होते हैं तो आपको अंदर से सारा घर विज़िट करवाते हैं। राइट साइड पर पहले किचन है, सामने 2 बेडरूम है वॉलपेपर दीवारों के ऊपर, और ये इसका टीवी लॉन्ज है, टीवी लॉन्ज का सीलिंग डिज़ाइन। सामने इसका एलसीडी पॉइंट है जिसमें खूबसूरत निशेज और लाइट के साथ कम्बिनेशन बनाया गया है। मार्बल फ्लोर के साथ ये घर है और यहाँ पे 3D वॉलपेपर लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि वुडवर्क इस निशेज में हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सामने इसका ड्राइंग रूम है, दोनों इकट्ठे दिए गए हैं ताकि स्पेशियस लगे, ये आप देख सकते हैं। आप इसको कर्टन लगा के भी रहता से कर सकते हैं, यहाँ पे आप लकड़ी का या रेलिंग का दरवाज़ा लगा के भी टीवी लॉन्ज और ड्राइंग रूम को अलहदा से कर सकते हैं अगर आप इसको अलहदा करना चाहें। सामने इसका ओपन किचन है, ओपन किचन दिया गया है, आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं वुडवर्क के साथ, वुड क्राफ्टिंग लगा के यहाँ पे अगर आप इसको एज ही एज इट इज़ रखना चाहें तो बड़ा स्पेशियस सा किचन लगता है, जिस तरह के बड़े घर में बना होता है। वुडवर्क यहाँ पर प्रॉपर हुआ है, स्लैब्स वगैरह है यहाँ पर। और पीछे 2 बेडरूम है इसके, आपको सबसे पहले पहला बेडरूम विज़िट करवाते हैं। दीवारों के ऊपर वॉलपेपर रेड कलर का, सीलिंग डिज़ाइन। अल रहमान गार्डन फेज़ 2 के जे ब्लॉक में ये घर वाक़ है और कैश पेमेंट पे है, इंस्टॉलमेंट पे नहीं है। ये इसका अटैच वाशरूम। अगर आप अपना प्लॉट या घर अल रहमान गार्डन में सेल करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये इसकी कबर्ड्स हैं, अलमारियाँ जो बनी हुई हैं छत तक। अल रहमान गार्डन फेज़ 2 में ही हमारा ऑफिस है, अल रहमान गार्डन, लाहौर गार्डन, अल नूर ऑर्चर्ड, जो कि इस तरफ की सारी सोसाइटीज़ में, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह हम डायरेक्टली डील कर रहे हैं। उसके अलावा लाहौर में कहीं और भी जो है रिक्वायरमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। इसका सीलिंग डिज़ाइन है, सामने अटैच वाशरूम इसका। अगर आप भी अपने घर की प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये इसका टाइल्स वगैरह आप देख सकते हैं, कमोड के साथ है, वाशरूम की थोड़ी सफाई होने वाली है। डबल स्टोरी ये घर बना हुआ है, दीवार के ऊपर वॉलपेपर है यहाँ पे। ऊपर सारे कमरों में तकरीबन अलमारियाँ बनी हुई हैं, वो आपको ऊपर जाके दिखाते हैं। ये सीढ़ियाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप रेंट आउट भी करना चाहें तो 2 पोर्शन इंडिपेंडेंटली रेंट आउट हो सकते हैं। ये इसकी स्टेयर लॉबी है, यहाँ से लेफ्ट की तरफ टेरेस की तरफ रास्ता है और राइट की तरफ इसके मेन डोर में हम इंटर हो जाते हैं। और एक और डोर दिया है जो कि आप इसको ऊपर वाले जो टीवी लॉन्ज के साथ आप उसको ड्राइंग रूम भी एज यूज़ कर सकते हैं। ये सामने इसका टीवी लॉन्ज है, यहाँ पे खूबसूरत निशेज, वॉलपेपर दीवारों के ऊपर, मार्बल फ्लोर, और इसका सीलिंग डिज़ाइन भी आपको दिखाते हैं। ये इसका ड्राइंग रूम है, टीवी लॉन्ज और ड्राइंग रूम बेसिकली दोनों इकट्ठे दिए गए हैं। और इसके अगर आप अलहदा से ड्राइंग रूम बनाना चाहें तो अलहदा से भी बना सकते हैं। और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, ऊपर भी इंडिपेंडेंट किचन दिया गया है वुडवर्क के साथ, ये आपके सामने है। इस ब्लॉक में अभी गैस अवेलेबल नहीं है, अल रहमान गार्डन के ए से लेके ई ब्लॉक्स तक गैस है, लेकिन इस ब्लॉक में अभी गैस नहीं है। बाकी तमाम सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम है और अल रहमान गार्डन फेज़ 2, ये जो सारा है अल रहमान, इसको फेज़ 2 ही कहते हैं, जो कि शरकपुर रोड के ऊपर वाक़ है, सगियाँ वाली साइड पर, माल रोड ज़िला के चहरी से 10 से 12 मिनट की मसाफत पर है, जो आपकी 10 से 12 मिनट की ड्राइव पे है। अगर आप ठोकर न्याजबेग से आते हैं तो आप मोटरवे के ऊपर 10 से 12 मिनट में आप अल रहमान गार्डन में पहुंच जाते हैं। इस लिहाज से इसकी लोकेशन बड़ी अच्छी है कि अगर आप लाहौर से बाहर भी जाना चाहते हैं, तब भी अगर लाहौर के अंदर माल रोड ज़िला के चहरी वाली साइड पर भी जाना चाहते हैं तो आप बड़ा ईजिली पहुँच सकते हैं। यहाँ पर भी अलमारियाँ बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं।
इसकी लोकेशन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉल करके भी पूछते हैं, हम थोड़ा सा इसको देख लिया करें, गूगल मैप पे सर्च कर लिया करें, किसी भी जगह पे जब मैं घर दिखाता हूँ आप थोड़ी सी खुद भी थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें। मैं किसी सोसाइटी का नाम लेता हूँ, आप इजीली उसको गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप उसका डिस्टेंस और एवरीथिंग जो है वो चेक कर सकते हैं। वॉलपेपर खूबसूरत निश्चित है यहाँ पर भी दीवारों के ऊपर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरी देख के उसके बाद रब्ता किया करें। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं तमाम तफसीलात वीडियो के अंदर ही कंपाइल कर दूं और उसके बाद जो इंटरेस्टेड लोग हैं वही रब्ता करें और उसके बाद विज़िट करके वो लोग फाइनल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इस तरह का उनके साथ ट्रस्ट डिवेलप हो गया क्योंकि वहाँ पर बैठे ही वो हमारे साथ डील्स कर लेते हैं। अभी रिसेंटली एक हुई है, इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको वीडियो बना के ब्रीफ करूँगा। ये इसका ओपन टेरेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खूबसूरत इन्वायरमेंट है आसपास और आप यहाँ पे अपनी शाम की चाय वगैरह बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और वैसे बारिश वगैरह हो तो तब भी आप यहाँ पे बैठ के चाय वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, मौसम अच्छा हो तो। ऊपर आते हैं तो ऊपर ही इसका स्टोर रूम बना हुआ है, स्टोर रूम प्लस मंडी, ये भी काफ़ी खुला बनाया गया है। विंडो है यहाँ पर, यह इसको आप एज़ अ स्टोर रूम यूज़ कर लें, एज़ अ सर्वेंट रूम यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू। और इसके अलावा अगर आप भी अपने घर की प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये इसकी छत है, प्रमोशन के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगी। इस घर की डिमांड 87 लाख है, कैश पेमेंट पे है, इंस्टॉलमेंट पे नहीं है। ये स्टॉपर वाला वाशरूम है, अगर आप लोग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप लोग यहाँ पर आएँ विज़िट करें और उसके बाद आप लोग ऑफ़र दें। 87 लाख कैश पेमेंट के ऊपर डिमांड है। अगर आप भी अल रहमान गार्डन में अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं तो आप प्लॉट नंबर के साथ डिमांड के साथ हमें बता सकते हैं। जहाँ पे ये घर वाकई है यहाँ पे प्लॉट का रेट तकरीबन 7.5 लाख रुपए, 8.5 से तकरीबन 9 लाख रुपए पर मल्ला यहाँ पे जगह का रेट है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।